तो हमें 250 या 244 किलोमीटर करने में गूगल के हिसाब से 6 घंटे लग जाएंगे। ये देखो भाई, पूरा सामान वामान सब फेंक दिया है, जूते चप्पल सब उतार दिया। केकर्स जितने ज़्यादा सुंदर उतने ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। बैटरी गई, ये एकदम कैसे चली गई पता नहीं। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. So hey guys, what's up and welcome back to the channel. I hope आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहे होंगे। सो आज है हमारा सैटरडे का दिन और आज हम जा रहे हैं हमारी एक मॉनसून राइड पर। सो मेनली इस राइड पे मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई राहुल के साथ में, एंड हम दो लोग ही हैं जो जा रहे हैं। और राइड का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आपको ऑब्वियसली हमारे व्लॉग के टाइटल में देखकर पता चल गया होगा। तो यस, हम लोग जा रहे हैं गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी, और अभी टाइम हो रहा है सुबह 5:52, एंड अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे। एक्चुअली मुझे रिफ्यूलिंग करवाना है, सो मैं रिफ्यूलिंग करवाते हुए जो है निकलूँगा, एंड राहुल मुझे मिलने वाला है बॉम्बे हॉस्पिटल स्क्वायर पे। सो आई विल मेक द रिफ्यूलिंग डन एंड फिर मैं डायरेक्टली राहुल को कैच करता हूँ। हाँ राहुल, हाँ पेट्रोल डलवा रहा हूँ। ठीक है, बॉम्बे हॉस्पिटल पे हूँ, आ जाओ। ठीक है आ रहा हूँ। तो पेट्रोल आया है 9.64। ये हर्षित, बिल्कुल हर्षित हर्षित हर्षित, क्या हाल चाल भाई, कैसा है? बढ़िया। हेलो सृष्टि, कैसा भाई? हाँ भैया, हाँ मेरी जान, ये चाय का कप, मैं समझ गया भाई को। समझ गया, देखते ही समझ गया था। थोड़ा अच्छे बात हो लेना चाय पे, कोई बात नहीं यार। नाश्ता क्या कुछ कर रहे हो? कुछ भी नहीं, चलें सीधा। चलो चलो हर्षित, ओके स्टोरीज डालूंगा। चलो ओके सृष्टि, बाय बाय, ध्यान रखूंगा मैं उसका। हाँ ओके, हाँ 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 ओके, चलो हर्षद बाय बाय। तो हम निकल चुके हैं, फिर हमारे कुछ दोस्त हमें सी ऑफ करने आए थे। सो यस, अब सबसे टाटा बाय बाय हो गया है, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन। सो वैसे भाई लोग, अभी तो रात है और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। सो लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा सा उजेला हो जाए, हम लोग सिटीज़ वगैरह क्रॉस कर लें, एंड देन उसके बाद मैं आपको गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करता हूँ। बाय द वे, जस्ट फॉर एन अपडेट, अभी हम लोग रेडिसन स्क्वायर पे हैं, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बाईपास, और बाईपास से कटते हुए जो है हम लोग मानपुर वाला रूट ले लेंगे। so can we just slow? सो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खलघाट, जो कि है 51 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। झूम बराबर झूम, खलघाट यहाँ दिखा रहा है 40 किलोमीटर्स, महेश्वर 46 किलोमीटर्स, वाचू पॉइंट 15 किलोमीटर्स। हाँ जी बिल्कुल, ये जो रास्ता है यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप जाएंगे सीधा जाम गेट की तरफ, और इतना खूबसूरत रास्ता है दोस्तों, इतना ज़्यादा प्यारा रास्ता है कि मज़ा ही आ जाना है आपको। अगर आप इस रूट पे आगे जाएंगे तो आपको महेश्वर भी इसी रूट पे पड़ेगा, साथ ही साथ में अगर आप जाते हैं मांडव तो मांडव के लिए भी आपको सेम रूट लेना होगा। ये खलघाट टोल प्लाज़ा है, और खलघाट यहाँ से है हार्डली 3 किलोमीटर और भाई कहाँ कहाँ से चलाता है राहुल सही में। के यहाँ से हमें लेना है राइट,
और ये खलघाट से राइट लेने के बाद अब लग रहा है यहाँ से हमें अब लग जाएगा यार फ्यूल, अब लग रहा है, अब लग जाएगा, अगले वाले में रोक लेंगे। 40 किलोमीटर की रेंज है अभी। 40 किलोमीटर की है, हाँ कोई ना कोई तो मिल जाएगा, 100 किलोमीटर तो चल जाएगी। ऑल राइट, सो खलघाट से अब हम आ चुके हैं राइट, एंड आई बिलीव अब यहाँ से जो है स्टेट हाईवे लगेगा, और नेशनल हाईवे हमने 47 पीछे छोड़ दिया है, और अब ये स्टेट हाईवे ले जाएगा हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। अभी भी स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से 244 किलोमीटर्स दिखा रहा है, एंड अगर इसी टाइप का रोड रहा तो हमें 250 या 244 किलोमीटर करने में गूगल के हिसाब से 6 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे भाई। काफ़ी ग्रीनरी है, सुंदर बहुत है, बट स्पीड बहुत बुरी टूटी है हमारी, मतलब 110 115 से सीधे 70 पे आगे गिर गए हम, तो ठीक है, ऑब्वियसली रोड के हिसाब से हम लोग ड्राइव करेंगे। देख तो रहे हैं राहुल, चलेंगे नीचे? अरे नहीं भाई, चलना तो नहीं है यार, रास्ता तो वहां से है। देखते ही देखते हम 230 किलोमीटर जो है घर से आ चुके हैं, एंड अब जो है भूख भी लग रही है, 12:30 समय भी हो गया है, एंड नाउ वी आर फीलिंग हंग्री। अब कोई अच्छा सा ढाबा देख ही रहे हैं, वहाँ रुकते हैं, विल हैव समथिंग टू ईट। ओके चलो, अब फाइनली भोजन होगा। क्या हो रहा है? तो गाइज अभी हम रुके हैं डिनर, मतलब लंच करने के लिए, और ये देखो भाई पूरा सामान वामान सब फेंक दिया है, जूते चप्पल सब उतार दिया, और ये रहे हमारे राहुल दा चुगी। पोपट हो गया, पोपट जरा आराम कर ले तो यार जिंदगी में। राहुल तू मेरी ऑडियंस को बताओ कि तुम्हारा सफर अभी तक कैसा रहा यहाँ तक? बहुत दुखदायक है राहुल, अपनी सुपर सुपर डुपर लग्जरी सुपर डुपर कंफर्टेबल अपाचे RR 310 में, वो गाड़ी बहुत अच्छी है, बस मेरा बैग मेरा साथ नहीं दे रहा, पीछे वाली सीट पर बैठ ही नहीं रहा, बार बार से रख के मेरी सीट पर आ जाता है। अब इसमें लगेज का तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो सीट ऑलरेडी ऊपर है, एंड वो जब जब उसको पीछे बांध रहा है तो वो सरक सरक के आ जा रहा है, बट एनी विच वेज हम लोग ऑलमोस्ट अभी 240 किलोमीटर्स आ चुके हैं, और गूगल मैप्स के हिसाब से 140 किलोमीटर्स अभी भी दिखा रहे हैं। सो अभी तो यहाँ पे फुल आराम चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं, मतलब लंच वगैरह करते हैं, और फिर अब आगे निकलेंगे। A few moments later. ठीक है भाई, चलो गाइस 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है भैया, देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है, और ज़्यादा दूर अब बचा है नहीं, मात्र 130 किलोमीटर ही बचा है, तो फटाफट उसको अपन कवर करते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या कैसा नज़ारा रहता है, लेट्स गो। काफ़ी सुंदर कर्व्स आ रहे भाई, बट ये कर्व्स जितने सुंदर है उतने ज़्यादा डेंजरस। ओह माय गुडनेस,
सी व्हाट आई वाज सेइंग, के कर्व्स जितने ज़्यादा सुंदर उतने ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, एंड मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं कर पाया और एक्सीडेंट ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया। हमारी बैटरी, बेबी की बैटरी में कुछ नहीं। नहीं बेटू मत कर ऐसा, चालू नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है बैटरी गई इसकी। बैटरी गई, ये एकदम कैसे चली गई पता नहीं मेरे को। ये तो मालूम था लो है, पर इतनी ज्यादा तो इतनी चल के आ रही है उतना लो? वही तो, मैंने तो सब बंद भी करके रखे हैं हजार्ड वजार्ड। लात लगाऊं क्या? अरे लात कहाँ तक लगाएंगे भाई, एक झटके में तो चालू हो जाएगी ऐसा। और क्या? A few moments later. एकदम से धक्का देके हड़िया ना तू। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी बैटरी गई, क्योंकि ये सेल्फ ले रही है नहीं, और मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई हमें शोरूम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा बैटरी का। गुजरात अपने दो दो फेसेस दिखाता है, कभी गुजरात एकदम मस्त रोड देता है और फिर कभी गुजरात एकदम से पटाखा दे देता है। पटाखा में क्या है, पटाखा में है ये, मतलब ख़राब सड़क भी नहीं बोलेंगे इसको। अभी नाउ वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। टोटल पीठ का आधा पार्ट ले ले, इतना बड़ा, उस पे सो गया मैं एक घंटा, आधा एक साइड का लटक रहा हूँ मस्त। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, अभी हम लोग रुके हैं, अभी एक नहर है मालूम है, बहुत सुंदर सी नहर है यार, तो ना बहुत प्यारा सीन था। यहाँ पे राहुल बात कर रहा है और इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, एंड अपना तो एनएस का सीन है ही, बैटरी का उसका प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या कैसा रहता है। अभी यहाँ से जाएंगे पैलेस की बैटरी का पता करेंगे कहीं शॉप वगैरह पे, क्योंकि बैटरी उसकी डेड है, तो फर्स्टली वी नीड टू चेंज द बैटरी। और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट हम थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, तो फटाफट चलते हैं देखते हैं बैटरी वगैरह का क्या कैसा सीन अपन करवा पाते हैं। इसके साथ में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में, रीज़न बीइंग हम लोग बहुत ज़्यादा आराम आराम से चले, तो ठीक है इट्स फाइन, आप निकलेंगे। 22% बैटरी के साथ एक भी बार चार्ज पे नहीं लगाया सुबह से, 22% बाप रे मेरी 40। तो गाइस दिस इज अपाचे, दिस इज एनएस, और हमने कर लिए शिफ्टिंग टाइगर स्टाइल। हां टाइगर स्टाइल, ठीक है देखो कंफर्टेबल तो है ना ये, चलो गाइस तो अब हम भी निकलते हैं। राहुल निकल चुका है, विल आल्सो लीव। तो हम आ गए हैं जेतपुर में, आई होप यहाँ पे कुछ शोरूम वगैरह मिल जाए। नहीं बुकिंग्स नहीं है, बुकिंग करवाने का। हाँ अभी अवेलेबिलिटी है रूम्स के? हाँ रूम्स की अवेलेबिलिटी है अभी। हाँ एक बार देख लो क्या करीब से पूछ लो, ठीक है पब्लिक ज़्यादा है तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा चल भाई। बिग गड्ढा होटल रूम इन बीआरजी बिना किसी बुकिंग के, एंड
फाइनली वी आर एट आर रूम। बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मैं फ्रेशन अप हो चुका हूँ, राहुल अभी वॉशरूम में है, वो फ्रेश हो रहा है एंड मैं रूम दिखा देता हूँ। सो ऐसा कुछ रूम है, काफ़ी अच्छा है, क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा है। एक बेड है, एक डबल बेड है, वॉशरूम है और मस्त एक बालकनी भी है। बालकनी चेकआउट करवाता हूँ। सो है इस तो बालकनी, आप देख सकते हो हमारे जैकेट्स अभी दोनों के सूख रहे हैं। ये ड्रेसिंग है गाइस। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, काफ़ी ज़्यादा लंबा दिन रहा है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आपको कल एक और वीडियो में, सेकेंड एपिसोड फॉर द गुजरात ट्रिप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ, बाय।